एक चीज बस आपसे पूछनी है कि जब आप सोनू जी को चुन के भेज देंगे यहां से तो इनसे काम क्या कराओगे? इनसे काम क्या कराना है? एमसीडी का मेन काम क्या है? पीछे से बताओ जरा, एमसीडी का मेन काम क्या है? अब चुन के भेज रहे हो तो पता होना चाहिए इनको भी कि मुझे जनता किसके भेज रही है। क्या है एमसीडी का मेन काम? साफ सफाई। क्या है एमसीडी का मेन काम? पीछे बालकनी वाले बता दे, क्या है एमसीडी का मेन काम? साफ सफाई। यहाँ बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बालकनी में खड़े को, कुर्सी पे बैठे को, खड़े दुकान में बैठे को, खरीदारी कर रहे को, सबको पता है कि एमसीडी का मेन काम कूड़े की साफ सफाई है। यहाँ जनता में सबको पता है, पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में नहीं आई कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है, कूड़े की सफाई है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो यही समझते रहे कि एमसीडी का मेन काम जेब की सफाई है। कोई अपना घर बनाए, कोई अपना घर बनाए तो उसके पर लेंटर उसकी जेब की सफाई कर लो, कोई अपनी दुकान खोले तो पर लाइसेंस उसकी जेब की सफाई कर लो। सफाई कर्मचारी सफाई करने आए तो सुपरवाइजर से उसकी तनख्वाह में से सफाई कर्मचारी की जेब की सफाई कर लो। इनको करनी थी गलियों की सफाई, इनको करनी थी कूड़े की सफाई, लेकिन 15 साल से ये जेब सफाई पे लगे रहे, 15 साल से जेब सफाई पे लगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।